पैसा अपना परिश्रम और पूरा परिवार लग गया, उसे ब्याज का भाव क्या मिला? 10 रुपये। और जिसके पास केवल पैसा था, चाहे वो लोन का पैसा, खुद मेहनत नहीं किया, उसने केवल मजदूर लगा के सामान उठा करके कोल्ड स्टोरेज में रख दिया और वो आज निकाल रहा है 5 गुना दाम लेकर 10 गुना दाम लेकर बेच रहा है। लेकिन जिस किसान ने पैदा किया, आज वो खुद भी खाना चाहे तो 60 रुपये किलो का प्याज उससे खरीदा नहीं जाए। मतलब दुनिया डिजिटल हो गई है, समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लेकिन जो प्रश्न उस समय मुंशी प्रेमचंद ने उठाए थे, आज भी वो प्रश्न वैसे के वैसे ही, सारी चीजें वैसी की वैसी है, कुछ भी नहीं। गोदान का जो किसान है, ठीक है परिस्थितियां बदली है, लेकिन आज का भी जो छोटे किसान है वो बेचारे कर्ज में ही डूबे रहते हैं और उन्हें अपनी फसल का कोई उचित दाम नहीं मिलता। इसी तरह जातपात आज भी है। आज भी आप संसद देखो, पिछले दिन तो एक हफ्ते से जातिवाद पे ही चर्चा हो रही है, ठीक है ना। अभी जातियों में ही हमारे चुनाव पूरा का पूरा चुनाव और हार जीत आज भी जातियों पर ही अटकी हुई है। लेकिन उस समय प्रश्न उठाया था, ठाकुर का कुआं एक छोटी सी कहानी है जिसमें घर में हस्बैंड बीमार रहता है, जो वाइफ रहती है वो उसको पानी पिलाना चाहती है, घर में पानी नहीं है, आसपास कोई पानी का सोर्स नहीं है, केवल एक ठाकुर साहब का कुआं है और ठाकुर साहब का कुआं से वो कोशिश करती है कि चोरी छिपे चले, क्योंकि पहले ठाकुरों के ब्राह्मणों के मंदिरों पर कुओं पर उनके स्थानों पर ST SC के लोग चढ़ नहीं सकते थे, आज भी नहीं चढ़ सकते। गांव में सेम सिचुएशन आज भी है, आज भी गांव में राजपूत और अच्छे उच्च जाति के जो कहते सवर्ण जातियों के मंदिरों पर ST SC के लोग बेचारे आज भी नहीं जाते हैं। ये केवल लगता है जैसे मजदूरी करने के लिए ही बने हैं इतना। हाँ, शहर में आने के बाद कोई प्रश्न नहीं करता, लेकिन जो गाँव है ठेठवा, आज भी जातिवाद इतना गहराया हुआ है, तो वो उस कुएं में जाती है और पानी खींचते पानी ऊपर तक जैसे आया रहता है, वो लेने वाले होती है, ऐसे उसे ठाकुर साहब के आने की आहट होती है और भय के मारे उसकी रस्सी छूट जाती है और पानी का जो बर्तन और रस्सी सब कुएं में गिर जाता है और जान बचा करके भाग के घर पता चलता है कि उसका। ऐसे कई कहानियाँ हैं जिसमें ऐसी मजबूरियों में जो है आदमी का जीवन चला जाता है, प्राण चले जाते हैं, लेकिन वो जो समाज की ये कुरीतियाँ हैं, जो कुप्रथाएँ हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, वो सुधार का नाम नहीं लेती। इसलिए मुंशी प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है और इन सबकी कहानियों को केवल लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं है। अगर हमें कहानियों को ड्रामा के माध्यम से सिखाना है, कहानी के माध्यम से सिखाना है, तो बच्चों को ऐसी कहानियाँ बताना चाहिए। जैसे मैंने कब पढ़ी थी, लेकिन मैंने अचानक आप लोगों के सामने कुछ बातें रखी। ऐसे बच्चे अगर इनको सुनेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस होगा, डैमेज कंट्रोल होगा और वो बच्चे भी जो है अपना क्या कहना चाहिए कि वो सारे बच्चे जो है उनके अंदर भी कुछ संस्कार आएंगे, कुछ मूल्य आएंगे, वो समाज में कद्र करेंगे और हर प्रकार के वर्ग के, हर प्रकार के अपने साथियों के साथ में वो एक अच्छा व्यवहार करेंगे, मेल जोल कर रहेंगे और प्रेमचंद की तरह उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।